हेलो वेलकम गाइस। आज हमारे पास में कोलेस्ट्रॉल 125 ml का पैक है। 125 ml का पैक मीन्स कि 25 ml का 5 बॉक्स रहता है इसमें। तो हम आपको आज इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस बताएंगे कि स्टैंडर्ड हमें देना कैसे रहता है। प्रोग्रामिंग और सैचेट का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बता देंगे, और उस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी हमारा 25 ml का कोलेस्ट्रॉल का रिएजेंट है और 200 mg/cl कॉन्सेंट्रेशन का हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो कॉन्सेंट्रेशन 200 mg/cl क्या होता है, जैसे कि हम जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं किसी सैंपल किसी पेशेंट का सैंपल के, तो उसमें क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो उसी चीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए हम स्टैंडर्ड देते हैं। तो स्टैंडर्ड देने के लिए कैसा प्रोसेस है कि उसको 500 पे 5 माइक्रो हमें सैंपल यूज़ करना पड़ता है। अभी जैसे हमने 1000 पे 10 माइक्रो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो 1000 पे 10 माइक्रो स्टैंडर्ड का बेनिफिट ये होता है कि हमें एक सेम टाइम पे हमारा स्टैंडर्ड का भी काम हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन का भी काम हो जाता है, और हमें उसके लिए 2 एक्स्ट्रा ट्यूब्स बनाने नहीं पड़ते। तो अब जो पेशेंट का है वो सैंपल हमें 500 में 5 माइक्रो यूज़ करना है। तो अभी जो स्टैंडर्ड है, अब स्टैंडर्ड का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊँ कि स्टैंडर्ड में जो 200 mg/cl रहता है उसका मतलब ही होता है कि इसका वैल्यू 200 है। जब आप इस टेस्ट को करोगे तो आपका जो वैल्यू है 195 से 205 के बीच में आना चाहिए। अगर आपका 200 आता है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर है। अगर आपका 203, 201 और 198, 197 ऐसा मतलब 2-3 नंबर का ऊपर नीचे है तो भी आपका रिजल्ट राइट आने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई ये नहीं है। अब आपको कैसा 10 मिनट के लिए हर एक को रिएजेंट को सेट करने के बाद 10 मिनट के लिए आपको वेट करना है और टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रखना। अगर आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट स्टैंडर्ड देने में मिस होता है तो आपका रिजल्ट भी रॉन्ग आ सकता है। तो जैसे कि अभी देख रहे हो हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो गया है सैंपल के साथ में और इसके साथ में रिएजेंट के साथ में। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, 0 दे देना है। 0 देने के बाद में जो हमने रिएजेंट ब्लैंक रखा है रिएजेंट ब्लैंक दे देते हैं। RB मीन्स रिएजेंट ब्लैंक होता है जो उस मशीन को वो आइडेंटिफाई कराता है कि हम इस रिएजेंट को यूज़ करने वाले करके। जो भी पहले का यूज़ किया हुआ रिएजेंट रहता है उसे वो वॉशअप करता है। देन उसके बाद हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेना है, और स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद में हमें वो जो 1000 माइक्रोलीटर का हमने सैंपल रेडी किया है वो चीज़ यूज़ करना रहता है। अभी जैसे हमारा पुराना फैक्टर था और अभी हमारा नया फैक्टर आ गया, तो अब वही बचे हुए रिएजेंट को हमें यूज़ करना है एज ए सैंपल, जिससे हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़ेगा कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है हमारे रिएजेंट का। अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका 200 के जगह पे 210, 15, 20, 180, 190 आ रहा है तो टोटली रॉन्ग है। तो देखो हमारा कॉन्सेंट्रेशन 203 आया है, मतलब जो हम आगे का टेस्ट करेंगे वो हमारा प्रॉपर है। 200 बॉटल पे मेंशन है और हमारा 203 आया, तो हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रोसेस करना है, न्यू पेशेंट का न्यू सैंपल यूज़ कर रहे हैं तो उसे रिंस करना बहुत ज़रूरी है, मतलब वॉश करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए या नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करो। फिर प्रॉपरली हमें जिस पेशेंट का टेस्ट करना है उस पेशेंट का टेस्ट हम रन कर सकते हैं। तो अगर आपको आगे के लिए कोई और दूसरे वीडियोस का फॉर्मेट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें।